हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि बोर्ड्स में पूछा जा चुका है एक दो बार, है ना। सो वी आर डिस्कसिंग दैट द क्वेश्चन 15th ऑफ एक्सरसाइज 6.5। बहुत केयरफुली से समझिएगा, छोटा सा लॉजिक है और उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपको दे रखा है। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी को ड्रॉ किया सबसे पहले, ठीक है। जहाँ पे डी एक पॉइंट है बी सी में, मैंने डी को भी लोकेट किया, एक पॉइंट है बी सी में, जिसकी वजह से आपका बी डी इज़ 1/3 ऑफ बी सी। तो डी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से जो आपका बी डी है वो बी सी का 1/3 डिस्टेंस है, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि 9AD² यानी ए और डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB². ओके, तो ये है छोटा सा क्वेश्चन, लेट्स सी। अब क्योंकि गिवन देखते हैं भाई, ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल होंगी, इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं आप। जो हमें प्रूव करना है वो 9AD² को 7AB² के अगेंस्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, आपने AE को BC के पैरेलल ड्रॉ किया, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब AE अगर BC के परपेंडिकुलर है तो हमें ये पता है कोई भी एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, कोई भी अगर एल्टीट्यूड है तो वो जिस साइड पे जाता है उसको बाइसेक्ट कर देता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी। एवरी टाइम यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस, हमें हर टाइम ये सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ओके। ये एक प्रॉपर्टी है और इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका बी ई और ई सी का डिस्टेंस हो गया सेम, ओके। चलिए, प्रूफ करने से पहले ये थोड़ा सा थ्योरी है, इस थ्योरी को समझते हैं, इस लॉजिक को देखते हैं क्या है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ जो मेरा पूरा बी सी है, ये पूरा जो बी सी है वो मेरा डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। अगर बी सी पूरा एक्स है और बी डी जो है फिर वो एक्स बाय थ्री हो जाएगा। वाई? क्योंकि आपने बी डी को क्या बोला है कि ये बी सी का 1/3 है। तो अगर ये बी सी पूरा एक्स है तो बी डी आपका एक्स बाय थ्री हो जाएगा, एग्री। अच्छा, प्लस हमें पता है एक पॉइंट, तो ये याद रखिएगा कि बी डी बी सी का 1/3 है, ओके। दूसरा पॉइंट, ये जो बी ई है, बी ई और जो ई सी है, ये भी आपने ऊपर इक्वल बोला है, अभी आपने इन्हें इक्वल बोला है। तो आपको नहीं लगता ये पूरे बी सी का अगर ये इक्वल हैं तो ये हाफ ऑफ पार्ट हो जाएगा। तो बी ई इक्वल्स टू ई सी इज़ हाफ ऑफ बी सी, ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए, है ना। तो उसी को हमने एक्सप्लेन किया है, जो बी ई है मेरा वो बी सी के हाफ है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तक आया ये, ओके। अब मैं बात करूं अगर डी ई की, इस पोर्शन की डी ई की, तो डी ई कहाँ से मिलके बनेगा? अगर आप बी ई में से बी डी माइनस करेंगे, ये डी ई आपका कहाँ से आएगा? अगर आप इस पूरे बी ई में से बी डी को माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू आएगा। बी ई अभी हमने सॉल्व किया था, ये हाफ होता है बी सी का, तो एक्स बाय टू ले लिया बिकॉज बी सी को हमने एक्स माना था। बी डी आपको पता है, स्टार्टिंग में उसने आपको बी डी यहाँ बता दिया था कि बी डी एक्स बाय थ्री वैल्यू है। तो जब एक्स बाय टू में से मैं एक्स बाय थ्री को माइनस करूँगा तो मेरा डी ई आ जाएगा एक्स बाय सिक्स, क्लियर है यहाँ पे। तो डी ई का वैल्यू आया बी सी का 1/6। एंड प्लीज़ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रट्टाफिकेशन भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू रट्टाफिकेशन कि बी ई बी सी का हाफ है और डी ई बी सी का 1/6 है, ओके। चलिए अब चलते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाने। तो ट्राइंगल ए ई डी,
ट्राइंगल ए डी में जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये बना ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, पहला इक्वेशन। फिर जब आपने ए बी ई में लगाया, इस पूरे ट्राइंगल ए बी ई में लगाया पाइथागोरस, तो ये क्या बना, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को अब सब्ट्रैक्ट करवाया। जब आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाया तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बचा। अब आपको ये एक्चुअल में वैल्यूज़ निकालने का नीड इसीलिए पड़ा था बिकॉज एट वन स्टेज वी नो कि डी ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कोई इक्वेशन में डेफिनेटली आपको ट्रबल करेगा। लेकिन अब आपको डी ई की वैल्यू पता है, बी सी का 1/6 होता है उसका स्क्वायर होगा, बी की जगह आपको पता है बी सी का हाफ होगा उसका स्क्वायर होगा। सो बी सी बाय सिक्स का जब स्क्वायर हुआ तो बना बी सी स्क्वायर बाय 36, बी सी अपॉन टू बना बी सी स्क्वायर बाय 4, इन दोनों का एलसीएम होता है 36, है ना। और जब आपने 36 में एलसीएम लिया तो ये तो वन टाइम ही रहेगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, तो वन में से 9 गया तो माइनस का 8 आया, ओके। देन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया हमने इसे, यहाँ तक क्लियर है भाई। अगर आपने एलसीएम लिया होता तो ये 9 टाइम्स जाता ना, 4 × 9 36, तो यहाँ 9 आया, 1 में से 9 गया तो -8, ये ऐसा बचा। कुछ स्टूडेंट्स इसको यहाँ भी कैंसिल आउट करते हैं लेकिन अभी हम इसे फ़िलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या हुआ, 36 ए डी स्क्वायर बना -30 ए बी स्क्वायर बना इज इक्वल्स टू -8 बी सी स्क्वायर रहा। अब जब ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 36 में अगर मैं 8 माइनस करूँ 28 आएगा। और बेटा ये बी सी है ये ए बी है, लेकिन मैं यहाँ ए बी स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बी सी और ए बी तो स्टार्टिंग में ही आपके इक्वल थे, तो इस बी सी की जगह आप ए बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो जब 30 में से 8 ए बी स्क्वायर गया तो 28 ए बी स्क्वायर हुआ। और अब मैं इन दोनों को डिवाइड करवा देता हूँ बाय 4। अब अगर मैंने 4 से डिवाइड कराऊँ ये बनेगा 9, इसको डिवाइड करवा दूँगा तो ये बनेगा 7, तो यही हमें चाहिए था, है ना। सो हैंस द क्वेश्चन इज़ प्रूव्ड, थैंक यू।